बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अल्लिकम मैं हूं ईसा नकवी पीर चौदह अक्टूबर का आगाज़ हो गया है तीन दिन की सियासी खामोशी होगी और उसके बाद पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर इतने बड़े बड़े सरप्राइजेज़ आने वाले हैं बहुत सारे लोगों को झटका लगेगा जो कुछ पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर होने जा रहा है तीन दिन तमाम लोगों की तवज्जो तमाम हकूमत की तोनाइयाँ और मीडिया पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ शंघाई ताबन तंजीम नज़र आएगी लेकिन ये बात अब सबको मालूम हो चुकी है कि जैसे ही शंघाई ताबन तंजीम का सरबराहने हुकूमत का अजला इस्लामाबाद में ख़त्म होगा डेलीगेशन यहाँ से वापस रवाना होंगे हकूमत ने भरपूर तैयारी कर ली है कि हर सूरत आइनी तरामीम जो है वो पास करवाई जाएंगी कौमी असम्बली और सैनट ऑफ पाकिस्तान से और इस दौरान सबसे बड़ी डेवलपमेंट अब तक की जो नंबर गेम के हवाले से है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ और आपको मालूम है कि इस सूरत हाल हर गुजरते पल के साथ तब्दील हो रही है लेकिन इस्लामाबाद के हाई सिक्योरिटी जोन में बैठी हुई शख्सियात क्या बता रही हैं हकूमत के लोग क्या बता रहे हैं किससे मेरी मुलाकात हुई मैं आपके सामने नाम तो नहीं रखूंगा लेकिन मैं आपको हिंट ज़रूर दे दूँगा कि जिससे मेरी मुलाकात और बात हुई है पीटीआई की साइड पर भी और मुस्लिम लीग नून की साइड पर भी दोनों इंतहाई रेलिवेंट लोग हैं और इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है उससे बाखबर हैं क्या मुमकिन तौर तो पर हो सकता है नंबर गेम में किसकी क्या पोजीशन है लेकिन ये है सियासी मौत का परवाना जो जारी हो गया और कुछ एसओएस मैसेजेस जो हैं वो किए जा रहे हैं जिससे आपको अंदाज़ा लगाने में आसानी होगी कि जो तहरीक दावे कर रही है वो दावे किस हद तक दुरुस्त हैं और बहुत बड़ा एक झटका या सरप्राइज आप कह दें कि लगने वाला है मौलाना फजल रहमान के बग़ैर ये मुमकिन है या नहीं ये भी आपके सामने मैं इस वीडियो में वाजे कर दूंगा कि एज़ वी स्पीक राइट नाउ पीर के दिन सुबह के वक्त तक 14 अक्टूबर नंबर गेम की क्या सूरत हाल है सबसे पहले ये जहन में रखें कि जो गिवन एवान की का साइज़ है वो नहीं बल्कि जो एक्चुअल साइज़ है 336 में से 224 का नंबर दरकार है हकूमत वक्त को कौमी असम्बली में कि 224 का जादुई हिंसा उन्होंने पूरा करना है आई एस की गैलरी में कि वो तरबीम के हक़ में वोट देने के लिए बंदे इकट्ठे करने में कामयाब हो जाएँ वो सिटिंग मैंबर्स ऑफ द नेशनल असम्बली हों और जो किसी और पार्टी से अगर ताल्लुक़ रखता है तो फिर उनकी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक उसके ऊपर फ्लोर क्रॉसिंग जो है उसका इतलाक़ हो जाएगा 63 ए का वो डी सीट हो सकते हैं अपनी नशत से हाथ खोना पड़ सकता है लेकिन जो है वो उनका वोट अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए फैसले के मुताबिक जो है वो काउंट होगा तो नंबर गेम आ, कौमी असम्बली में क्या बनेगी और फिर सैनिट में क्या बनेगी असल गेम फंसी हुई है सैनेट की वरना ये जो हकूमत आपको नज़र आती है कि वो बातचीत करने में मसरूफ़ है वो चाहती है कि मौलाना फजलर रमान ऑन बोर्ड हो जाए अगर मौलाना फजलान के बग़ैर ये सब कुछ करना इतना आसान होता तो हकूमत आपको ये करती हुई नज़र ना आती पी टी आई जो क्लेम कर रही है वो क्लेम भी उतना दुरुस्त नहीं है जितना उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है अब इसमें नंबर गेम के ऊपर जाहिर गे चौंसठ बंदे जो हैं वो सैनट ऑफ पाकिस्तान में दरकार होंगे कूमत के एंड से मैं आपको ये बता दूँ कि हकूमत के, के सर्कल में ये बात जबान ज़द आम है उनके जो आइनी तरमीम का प्रपोज्ड ड्राफ्ट है जिसकी उन्होंने तजवीज़ दी है कि ये ड्राफ्ट होना चाहिए ये आइनी तरामीम आनी चाहिए उसमें मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज ईसा की गुंजाइश बनती है वो जो एज लिमिट है उसको अड़सठ साल आइनी अदालत और जो चीफ़ जस्टिस है आईनी अदालत का उसको लगाने का इख्तियार जो पहला चीफ जस्टिस है वो किस तरीके से लगेगा उसको लगाने के लिए नाम तजवीज़ करेंगे वजे अजम पाकिस्तान जो मौजूदा वजे अजम है शहबाज शरीफ और सदर पाकिस्तान ने उसकी मंजूरी देनी है तो हकूमत का देख कर वाज तौर तो पर यह पता चलता है कि वहाँ पर मामला जो है वो काजीफाइजीसा साहब की तरफ जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी वो जो पैनल है बनाकर तीन और उसमें भी बात चल रही है कि जस्टिस याहिया आफरीदी जो हैं वो तीसरे नंबर पर मौजूद है लेकिन टेक्निकली उसमें प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने साढ़े पाँच साल के बाद रिटायर होना है उनकी उम्र जो है वो तकरीबन उनसठ साल और छः माह है तो साढ़े पाँच साल के लिए चीफ जस्टिस होगा या फिर तीन साल का टर्न किया जाएगा इस हवाले से अभी एक ज़ाहिर के अब हम मौजूद है लेकिन हकूमत का आयी तरमी पैकेज जो है वो अगर पास नहीं होता तो मेरी जिस हकूमती शख्सियत से मुलाकात हुई है उन्होंने यह कहा कि यह फिर गुनाह बे होगा हमें क्या पढ़ी कि फिर हम यह आयीन तरमीम पास करें अगर हम अपनी तरामीम को पास करने के बजाय हम किसी और के ड्राफ्ट पर अग्री करते हैं मौलाना फजल रहमान का जो ड्राफ्ट सामने आया है उस ड्राफ्ट के अंदर मौजूदा चीफ जस्टिस काजी आयसा की कोई जगह नहीं बनती उसमें आईनी अदालत भी मौजूद नहीं वो बेंच की बात कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सूबाई आइनी अदालतों की वफाकी सतह के ऊपर आइनी अदालत और वो तमाम गुफ्तू कर रही है लेकिन उनका ड्राफ्ट अगर देखा जाए तो क्लोज़र टू मौलाना है हैकूमत के ड्राफ्ट में बहुत लंबी चौड़ी और मजीद भी चीज़ें हैं तो ये वो इस वक्त ड्राफ्ट का खाका मौजूद है अब जो मामला है हकूमत का हकूमत के जिस शख्स से मेरी मुलाकात हुई उन्होंने कहा कि हमारे पास कौमी असम्बली बिल्कुल क्लियर है हमारे पास मुकम्मल तौर पर कौमी असम्बली मौलाना रहमान हो या ना हो दोनों सूरतों में हमारे पास नंबर मौजूद है ये बड़ा दिलचस्प दावा है क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ कह रही है कि हमारे तमाम बंदे सिक्योर हैं मैं आपको बताऊंगा कि कितने बंदे इनसेर हैं और वो क्या इस वक्त अपनी पार्टी को मैसेजेस दे रहे हैं जो हुकूमत है उसने कहा हुकूमती शख्सियत ने मुझे बताया कि जो आ, कौमी असम्बली है वो तो हमारी क्लियर मौलाना आते हैं नहीं आते हमारे पास नंबर पूरा है मसला है सैनट ऑफ पाकिस्तान का वो कहते हैं कि अगर मौलाना हमारे साथ मिल जाते हैं उस सूरत में भी हमें एक सेनेटर की कमी है मैंने पूछा किस सैनिटर की कमी है उन्होंने कहा सादिया बासी सादिया वासी साहिबा जो हैं शाहिद खाकान वासी की बहन वो मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर सेनेट ऑफ़ पाकिस्तान की मेंबर हैं और वो कह चुकी हैं कि उन्होंने वोट किसी भी सूरत नहीं देना हकूमत की मुजवज़ा आयनी तरामीम को या किसी भी आयनी तरामीम को जो आ रही हैं वो वोट नहीं देने जा रही तो इसका मतलब यह है कि अगर मौलाना फजलरहमान ऑन बोर्ड आ जाएँ तो ये हकूमत की मजबूरी सिर्फ़ इस वजह से है कि सैनट आफ़ पाकिस्तान में जो हुकूमती इतहाद है उसका नंबर बनता है फिफ्टी फ़ोर के बाद तीन बंदे हैं एम एल वली वली ख़ान के ये बन जाते हैं आ, फिफ्टी सेवन आ, और हकूमत कह रही है कि मौलाना रहमान शामिल हों जो उनके पाँच नंबर हैं तो वो बनते हैं सिक्सटी टू तो इसका मतलब ये है कि हकूमत की जिन शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंटली ये बताया कि तहरीक इंसाफ के दो सैनिटर्स मैनेज हो चुके हैं वो अपनी पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट वोट डालेंगे एक नाम जो बड़ा जबान जदयाम है वो सैफुल्ला अबड़ू का है और एक और अन नोन है हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है या मैंगल साहब से ताल्लुक़ है उनका लेकिन वो भी कहा जा रहा है कि मैनेज हो गए तो ये नंबर बनता है सिक्सटी फोर सिक्सटी थ्री बनता है एक सेनेटर और मैनेज करना है और फिर आईनी तरमीम जो है वो थ्रू हो सकती है लेकिन सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पांच लोग जो हैं मौलाना फजल रहमान के हर सूरत में दरकार है अब आ जाएँ तहरीक इंसाफ का ये दावा कि हम अपने तमाम लोग सिक्योर कर चुके हैं हमारे तमाम लोग जनाब हमारे साथ रबते में हैं ज़्यादातर जो है वो खैबर पखतूनख्वा में मौजूद हैं बिल्कुल मौजूद हैं खैबर पखतूनखा में खैबुलप्तनखवा में मौजूद लोगों का ईमान भी इस वक्त के हद तक मुतजलजल है और उसमें है उनका माजी करीब का वो वक्त जब वो आठ फरवरी के इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे थे तो ये बात मालूम है कि उन्होंने कुछ कमटमेंट्स दी थी और उन कमटमेंट्स देने वालों को जब सीट्स मिल गई और वो जीत कर पहुँच गए तो उनसे खराज मांगा जा उनसे जो है वो कहा जा रहा है कि अब वक्त आ गया है को उस एहसान का बदला एहसान से चुकाया जाए और अगर एहसान का बदला एहसान से नहीं चुकाया जाता तो फिर कीमत तो चुकानी पड़ेगी और बहुत बड़ी मुश्किल उनके लिए खड़ी हुई भी है मैं आपको ये आ, क्योंकि मैं नाम इस वजह से नहीं बता रहा आपको नाम मेरे सामने लिखे हुए हैं कौन से चौदह लोग जो हैं वो हकूमत के रेडार में बल्कि हकूमत की दस्तरस में एक तरीके से मौजूद हैं क्योंकि इन सब को अभी भी दोनों तरफ से पुल फैक्टर लगा हुआ है मैनेज करने की कोशिश की जा रही है लेकिन इतने क्लियर हैंड्स आपके सामने मैं रख दूंगा कि जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा पांच का ताल्लुक साउथ पंजाब से पांच एम एन एज उनका ताल्लुक साउथ पंजाब से है ज़िला मुजफ्फ़रगढ़ के भी इसमें शामिल हैं इसमें जो है वो जो फेमस लोग हैं खैर उनके नाम मालूम है खिच्ची साहब हैं औरंगजेब खिच्ची उनका भी नाम मालूम है कि जिनका इस वक्त बड़ा जो है वो मामला चल रहा है कि ये वोट नहीं देंगे तहरीक इंसाफ के कहने पर बल्कि ये वोट देंगे हकूमत के सफ़ों में जो है वो खड़े हुए नज़र आएंगे अगर इनकी ज़रूरत पड़ी खिची साहब हैं फिर उसके बाद आपको मालूम है कि जो गुफ्तु चल रही है उसमें उस्मान अली हैं जहूर कुरैशी हैं वगैरह वगैरह नाम मौजूद हैं नाम से हटकर चार का ताल्लुक जो है वो सेंट्रल पंजाब से है दो का ताल्लुक नॉर्थ पंजाब से है ये बनते हैं ग्यारह फिर एक का ताल्लुक़ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से और जब ये नाम सामने आएगा ना ये बड़ा सरप्राइजिंग होगा इसने नून लीग का वो बुरज उल्टा था जो बहुत सारे लोगों के वहम गुमान में नहीं था ये बंदा भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर्कल में या इनसाइडर्स के मुताबिक आउट नज़र आता है फिर एक का ताल्लुक़ जो है वो बलूचिस्तान से है ये लोगों के बाद जो इस तरफ वाली साइड है इधर के बाद हैरान कन तौर पर मौलाना रहमान के भी दो लोग हैं जो हकूमत के कहने पर वोट देंगे वो अगर मौलाना फजल रहमान मैनेज नहीं होते और सैनट अदरवाइज़ मैनेज हो जाता है और उनकी ज़रूरत पड़ती है तो दो लोग जो हैं वो मौलाना रहमान की पार्टी में भी एम एन एज़ जो हैं वो इस बात के लिए तैयार हैं कि वो वोट डालेंगे अब ये बात कि ये तहरीक इंसाफ का दावा कि ये लोग हमारे इख्तीार में हैं हमारे मुताबिक सब कुछ करेंगे ये दावा कुछ लोगों के हवाले से तो दुरुस्त है क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सात से आठ लोग इनमें से जो मेरे सामने मौजूद हैं ये सात से आठ लोग खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं इनसे ये पूछा गया था कि आपकी मजबूरियाँ कौन हो सकता है उन्होंने बताया कि अगर फलां फ़लाँ फ़लाँ मेरी फैमिली में फला शख्स अगर उसकी तरफ से वो दबाव पड़ गया तो फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनकी फैमिली के वो लोग भी खैबर पख्त उनखा में मौजूद हैं फिर कुछ पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं एक साहब हैं जो यूके में मौजूद हैं एक हैं जो दुबई में मौजूद हैं फिर कुछ अमरीका में मौजूद हैं उनके तरफ से एस ओ एस मैसेज भेजे जा रहे हैं अंग्रेज़ी में भेजा गया मैसेज मैं आपको उसका उर्दू बता देता हूँ कि उर्दू में उन्होंने बेसिकली मैसेज क्या किया उस मैसेज से आप समझ जाएंगे कि जब वक्त आ गया वोट डालने का तो उनकी वफ़ादारी किसके साथ होगी उन्होंने कहा कि कोशिश करें ये मैसेज जो है उन्होंने प्राइवेटली पार्टी के करता धरता जो हैं इस वक्त इंसाफ के उनको भेजा और उन्होंने कहा कि कोशिश करें कि सब कमेटी में पार्टी का आइनी तरमीमी ड्राफ्ट पर हकूमत से इतफाक़ राय हो जाए जैसे अठारहवीं आईनी तरमीम में हुआ था प्लीज़ प्लीज़ लिखा गया आगे जिसमें पार्टी के मफादात का भी तहफ़ हो यानी मतलब ये है कि अगर पार्टी के बाहर बैठे हुए लोग कोई दबाव होगा जिसके तहत वो ये अपनी पार्टी को कह रहे हैं कि आप कोशिश करें कि इस पर इतफा राय हो जाए ताकि उनकी जो लॉयल्टी है उसका टेस्ट ना हो और जब आप ये बात कह रहे तो होते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि अगर आपकी लॉयल्टी का टेस्ट जो है वो अगर हुआ किसी भी मौके पर तो आपकी लॉयल्टी कम से कम अपनी पार्टी के साथ नहीं खड़ी हुई जिसको आप ये कह रहे हैं कि आप हुकूमत के साथ जो है वो इतफ़ा राय कर लें जैसे अठारहवीं तरमीम पर हुआ था एक कंसेंसिस ड्राफ्ट जो है उस पर एग्री कर लें अठारहवीं तरमीम की तरह तो ये मैसेज जो है वो भेजा जा रहा है और ये मैंने आपके सामने सिर्फ एक मैसेज रखा है कुछ और मैसेजेस भी हैं जो पार्टी के लोगों को तहरीक़ इंसाफ के अंदर भेजे गए हैं पार्टी की तरफ से ही इन्हीं लोगों में से जो मैंने जिनका मैंने तस्कर किया है इनकी तरफ से भेजे गए हैं और एक साहब जो हैं वो इनमें से लाहौर मौजूद थे वो पहले भी गायब हो गए थे वो उन सात एम एन एज़ में शामिल थे जिनको चौदह पंद्रह सितम्बर को लाया गया था कौमी असम्बली में उस वक्त जो आइनी तरमीम लानी थी उसकी फेवर में वोट डालने के लिए फिर वो उनको मैनेज करने के लिए किया यह गया था कि उनके छोटे भाई जो अपने हल्के में बड़ा असर रसूख रखते हैं उनको ये कहा गया कि वो जो गैलरी है गेस्ट की वहाँ पर मौजूद होंगे और जब वो वोट डालने के लिए आएंगे तो वो अपने भाई को इशारा करके कहेंगे कि ना वोट डालें तो ये स्ट्रेटजी थी उसमें तहरीक इंसाफ की वो समझते थे कि शायद छोटे भाई के असर में वो बड़े भाई जो है वो जाकर वोट नहीं डालेंगे क्योंकि छोटे भाई बड़ा असर रसूख रखते हैं पॉलिटिक्स बेसिकली वही चलाते हैं तो वो साहब जो है उनको ये कहा गया था कि आए आप भी खैबर पख्तून ख्वा जाएँ उन्होंने कहा नहीं मैं खैबर पख्तून ख्वा नहीं जाऊँगा मैं ग्लास्ट्रोफोबिक हूँ यह उनका जवाब था और फिर वो लाहौर में मौजूद थे और उनकी रेजिडेंस के केर्द गिर्द जब कुछ नकल हरकत हो रही थी उनको कहा गया कि आप अब भी आ जाएँ उन्होंने कहा नहीं जनाब मैं आ नहीं सकता लेकिन मैं आपके साथ हूँ मैं वोट आपकी मर्ज़ी से दूँगा लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इसाफ़ हैं उनके कागज़ों में वो भी भिदक चुके हैं वो उनके फेवर में वोट नहीं देंगे फिर हकूमत जो है वो अपने तौर पर कह रही है कि अब मैंने उसको अगवा करके तहरीक इसाफ़ जो है वो ले गई है उसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि जो पी के एम एन एज अगवा की बात हो रही है ना वो एम ख़ुद बैठ टेलीविजन चैनल्स के ऊपर अब बताने लग गए हैं कि हम अगवा नहीं हुए और ये नून लीग के इल्ज़ाम उन्होंने मुस्रद किए हैं दो लोग हैं मैं आपको बता देता हूँ ये जो आ, नया पाकिस्तान प्रोग्राम है वहाँ पर उन्होंने गुफ्तू की है उन्होंने कहा है कि जो शफकत अवान हैं और ख्वाजा शराज हैं उन्होंने इन इज़्ज़ाम को कि नून लीग ने कहा कि इनको पी वाले अगवा करके ले गए हैं इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आ, उनको उन्होंने मुस्रद किया शफकत अवान जो है उन्होंने कहा कि हम आईनी तरमीमी बिल कभी भी पास नहीं होने देंगे हम बानी पी टी आई के साथ हैं हमें किसी ने नहीं छुपाया हम खुद छुप कर बैठे हैं पर शफकत अवान ने कहा हमारी पूरी फैमिली कहीं ना कहीं छुपी हुई है ये भूल जाए पी टी आई का कोई एक एम एन ने भी साथ देगा हालाँकि मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके इनकी बात नहीं कर रहा बाकी चौदह लोग जो हैं वो इस वक्त तरमीम के फेवर में जा सकते हैं बड़ा हाई चांस मौजूद है आ, फिर जो है वो आ, उन्होंने कहा कि सत्तर से सौ करोड़ रुपए तक की ऑफर की गई है अभी तक यही फैसला है कि हम नहीं जाएंगे आगे पार्टी की पॉलिसी देखेंगे ख्वाजा शराज ने कहा कि हर लेवल पर इस वसाइयत का मुकाबला कर रहे हैं पंजाब के तमाम पी टी आई एम एन एज अपनी जमात के साथ खड़े हैं हमारे घरों के तकदस को पामाल किया जा रहा है पंद्रह जुलाई से मैंने अपनी फैमिली को घर पर नहीं रखा आ, हम जमीर का सौदा नहीं करेंगे आइनी तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे आ, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे जाती तौर पर किसी ने रकम की पेशकश नहीं की है ये इनका स्टेटमेंट जो है वो आया अब इस हवाले से जो मामला है कि तरमीम जो है वो ज़ाहिर है कि वो आ जाएंगी और हाईली लाइकली है कि हुकूमत के अगरचे अंदर ये बात मौजूद है कि ऐसी आईनी तरामीम का कोई फ़ायदा नहीं कि जिसमें हमारा जो ड्राफ्ट है वो अप्रूव ना हो लेकिन मौलाना बाकायदा अब उस पोजीशन में नज़र आते हैं कि जहां पर मौलाना की मजबूरी नहीं है कि वो चलकर कर हुकूमती ड्राफ्ट के ऊपर जाके एग्री करें उनका उनको अब बहुत बड़ा पॉलिटिकल डैमेज होगा ही विल आई थिंक मेक श्योर कि हकूमत जो है वो उनके ड्राफ्ट पे एग्री करें मौलाना को आईनी तरमीम से मसला नहीं है हकूमत के लिए सेव से, फेस सेविंग यही होगी क्योंकि जिन साहब से मेरी हुकूमत में मुलाकात हुई ना नकूमती शख्सियत से वो आ, आ, लीगल मैटर्स में बड़ा रेलीवेंट हैं और एक अच्छा खासा हदा जो है वो उनके पास था माजी में भी मियाँ साहब के केसेस जब होते हैं तो वो मियाँ साहब के केसेस के ऊपर अदालतों में भी आपको नज़र आते हैं उनका ये कहना था कि अगर हम ये आईनी तरमीम पास नहीं कर, करवा पाते तो फिर हमारा हुकूमत में रहने का फिर कोई जवाज़ नहीं रहेगा फिर हकूमत जो है वो धड़ाम से गिर भी सकती है कोई और बहुत बड़ा पटाखा जो है वो भी आपको सुनने को मिल सकता है लेकिन जो तहरीक इंसाफ़ के लोग हैं उनकी जो स्ट्रेटी है वो एक बात पर बैंक कर रही है वही कह रहे हैं कि ये जो है ना ये सियासी मौत का परवाना है ये जो वोट डालना है जिस तरह माइग्रेशन हुई थी ना हिजरत हुई थी इन लोगों को हिजरत करके अगले दस साल पंद्रह साल के लिए पाकिस्तान से बाहर कहीं शिफ्ट होना पड़ेगा अगर ये आईनी तरमीम के हक में वोट देते हैं इनके सामने फैसले की घड़ी ये है कि इन्होंने क्योंकि जिनके मैंने आपको नाम बताए हैं इनमें से सारे वो हैं जिनकी सियासत सियासी खानदान है ये वो नहीं है जो नए पी टी आई ने लोग जो हैं जिनको टिकट दिए थे या वकला उस किस्म के नहीं हैं ये वो सियासी राजधानियों वाले फैमिलीज़ वाले लोग हैं एक तरफ है कि बाप दादा या अपनी फैमिली की तमाम पॉलिटिकल स्ट्रगल और आज तक की सारी अचीवमेंट्स के ऊपर पानी फेर कर अपनी वफ़ादारी तब्दील करके आप जो है वो आ, वोट दे दें डी सीट भी हो जाए बेनिफिट ले लें या अपनी मजबूरी जो है वो ख़त्म कर लें लेकिन आपकी पॉलिटिक्स जो है वो फिर ख़त्म हो जाएगी यही वो बुनियादी नुकता है जिसके ऊपर तरीके इंसाफ ये समझती है कि ये लोग जो हैं इनको हतला इनकी कोशिश होगी हर बंदा अपनी बर्दाश्त की आखिरी हद तक जाएगा आ, हमारे साथ खड़ा रहने की कोशिश करेगा लेकिन मेरे पास जो नंबर मौजूद है जो नाम मौजूद हैं उसके मुताबिक कौमी असम्बली इज़ कम्फर्टेबल वेरी ईजी फॉर द गवमेंट मौलाना हो या ना हो उनके पास नंबर पूरा करने के लिए इनफ लोग मौजूद हैं मसला है सैनट ऑफ पाकिस्तान का कूमती शख्सियत के मुताबिक मौलाना साथ हों तो एक नंबर रह गया है एक वोट जो है वो मैनेज करना रह गया बाकी तमाम वोट तिरसठ वोट मैनेज हो चुके हैं और एक वोट मैनेज करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है यह जनाब तफसलत लेकिन ये मंजरनामा तब्दील हो रहा है मुसल तब्दील हो रहा है और इसमें मज़ीद तब्दीली की गुंजाइश दोनों तरफ मौजूद है तहरीकानसाफ़ भी खींच सकती है हकूत भी खींच सकती है एवंचुअली क्या होता है हकूमत ने प्लान ये किया है मेरी इतला के मुताबिक कि अट्ठारह तारीख को जो वफाकी काबी है उसका इजलास बुलाया जाएगा वहाँ पर इसको पेश करके अप्रूव और ये सारा कुछ कर लिया जाएगा और 19 तारीख को इसके ऊपर वोटिंग होगी ये प्लान भी टेंटेटिव है ये भी तब्दील हो सकता है अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज